my name is Preeti Tiwari. Today I'm going to discuss fundamental rights, which is very important for every competitive exams. Okay, let's start the video without wasting our precious time. तो जो पार्ट थ्री है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स में. उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है हमारा पार्ट थ्री. फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कैरेटा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. तो फर्स्ट आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी में 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल आते हैं. आर्टिकल 14 है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. 17 आर्टिकल है अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए और 18 है टाइटल्स को हटाने के लिए. नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम में क्या है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आते हैं राइट टू फ्रीडम के अंडर. अब बात करते हैं आर्टिकल 19 के, जिसके सब फोर पार्ट्स हैं. ठीक है, जो आर्टिकल 19 में कौन कौन से आते हैं राइट्स आते हैं हमारे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल पीसेबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. उसके बाद आता है आर्टिकल 20. आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. आर्टिकल 20 बोलता है हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब जो अपराध किए जाते हैं उनकी सजा से रिलेटेड है ये वाला आर्टिकल. उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 21, जो कि बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. उसके बाद 21A है हमारा राइट टू एजुकेशन. देन आता है हमारा आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. तो ये राइट टू फ्रीडम के अंडर आते हैं ये सारे आर्टिकल. उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है. आर्टिकल 23 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो भी होती है और फोर्स्ड लेबर. और आर्टिकल 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर. देन आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक है. आर्टिकल 25 में क्या बोला जाता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन. आर्टिकल 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. आर्टिकल 27 है हमारा फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन. आर्टिकल 28 है हमारा फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. उसके बाद आता है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 के अंडर है. आर्टिकल 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज. एंड आर्टिकल 30 में है राइट ऑफ मिनोरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब आता है जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि किस आर्टिकल के अंडर आता है. आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक के अंडर आता है. वैसे ये पर्सनली जो है वो 32 के आर्टिकल के अंडर आता है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में. तो आर्टिकल 32 में क्या क्या है, राइट टू रेमेडीज है, हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, क्यूओ वारंटो है, प्रोहिबिशन है. ये सब जो है ये हमारे राइट टू रेमेडीज में है. उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 33, जिस जो बोलता है मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. और आर्टिकल 34 में है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स. एंड द लास्ट ऑफ पार्ट थ्री इज आर्टिकल 35, विच इज एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन फंडामेंटल राइट्स. तो ये थे पार्ट थ्री की बात करी हमने, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो सारे बता दिए. अब यू हैव टू लर्न, आपको याद करने पड़ेंगे, पर ईजी हैं, याद हो जाएंगे. बाकी PDF अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी. उसके बाद जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर लीजिए. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बैंकर्स एवेन्यू. थैंक यू.